हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सब लोग ठीक हों। तो आजकल पहुंच गया है बारिश का मौसम। बारिश कम, गर्मी ही ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बारिश तो अभी आया नहीं है, बस 4-5 दिन आया था इस महीना में, उसके बाद तो बारिश ही नहीं हो रहा है। और अभी खेती बाड़ी का सीजन भी पहुंच गया है, पता नहीं कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो हम लोग धान लगाए थे, जो बीड़ा बोलते हैं हम लोग, मतलब खेत में लगाने के लिए जो बीड़ा किए हैं, वो सब भी मर गया है, या तो किसी किसी का अच्छा से नहीं हुआ है बराबर। तो सब किसान लोग अभी बहुत परेशान हैं पानी की वजह से, पानी ना आने की वजह से। इसका पानी ना आने का वजह भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे हम लोग का यहाँ पर जंगल है इस साइड में, आप लोग देख सकते हैं। तो लोग को बोलते हैं कि पेड़ मत काटिए मत काटिए, पर आदमी लोग सुनते ही नहीं है, काटते जाता है। खैर, पता नहीं क्या रीज़न से पानी नहीं आ रहा है, वो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। और आज हम लगा रहे हैं, इधर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहल लगा रहे हैं। और ये रहल कर हम लेके आए थे आत्मा विभाग से, वहाँ से किसानों को दिया जा रहा था ये वाला, इसको तो इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लाइन लाइन में लगाना है। तो उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाइन में लगाने के लिए। और यहाँ पर ये जो खेत है, यहाँ डांड है ये वाला, और वो आगे वाला उसमें भी लगाएंगे, फिर इधर भी हम लोग लगाएंगे इधर इधर बगान में। करीब 1 एकड़ के लिए हम लाए थे और इसको पूरा में लगाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ कुछ हम आप लोग को फिर से बताएंगे। फाइनली हम लोग ये वाला डांड में लगा लिए और पटरा भी मार दिए किसी तरह से। ये रहा हम लोग पटरा, आप लोग देखे होंगे कैसे हम लोग रस्सी से खींच रहे थे, तो लगा लिए गए। और अभी काफ़ी लगाते लगाते 12 बज गया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मेरी माँ के साथ हम लोग आए थे, वो चली गई, तो अभी धूप निकल गया है, बहुत जोर से धूप लग रहा है। तो अभी जा रहे हैं घर, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सब काम करेंगे। कहे कि काम तो इतना ज़्यादा है कि बोलिए मत, एकदम सर दर्द कर देता है, पर क्या करेंगे गाइस, करना ही पड़ता है घर में रहने से। और फिलहाल तो अभी हम आए हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर बकरी चराने के लिए। और क्या खूबसूरत नज़ारा, अभी बारिश थोड़ा सा आया हुआ है तो ये घास सब उगा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो पूरा गर्मी से बहुत परेशान थे। तो अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है। और हम आए हैं बकरी चराने के लिए इधर, जब से हम लोग खेती बाड़ी ख़त्म हो जाता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग गाय बाय सबको, लेकिन बकरी लोग के साथ ऐसा नहीं है। ये लोग को 12 मास मतलब पूरा ईयरली चराना पड़ता है, क्या है कि अभी तो खुला छोड़ देने से कुत्ता सब बहुत काट रहा है। उन्हीं साल हम लोग का 3-4 को काट दिया, तो इसी के लिए नहीं छोड़ते हैं, हम लोग को लेके आते हैं चराने। और देखिए इतना भागता है ना ये लोग को, हमको एकदम बहुत परेशानी लगता है, बहुत तंग करता है, एकदम एक जगह नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर इतना घास है, लेकिन वो लोग दौड़ दौड़ के भाग जा रहा है। तो गाइस, आज तो मैं आई हूँ और देखते हैं अभी क्या क्या मिलेगा जंगल में खाने पीने के लिए। ऐसे तो मैं लाई हूँ घर से ही खाने के लिए, खाए कि यहाँ अकेले हैं और खड़े खड़े बोर हो जाएंगे बोल करके हम लाए हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे में दिखाती हूँ जाके, कहे कि बकरी लोग तो पूरा भाग रहा है, तो ठीक है। तो गाइस देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हम फाइनली जंगल में पहुँच गए हैं। और इधर है मेरा घर इस साइड, हालांकि यहाँ आसपास भी एक दो घर है, इस तरफ है रोड के उस पार। तो पहुंच गए हैं और इन लोग एकदम स्थिर ही नहीं रहता, देख रहे हैं एकदम भाग रहा है। तो हम लाए हैं कुछ खाने के लिए, जो आपको दिखाएंगे, कहे कि अभी हमको रहना है यहाँ काफ़ी 4 बजे तक। तो ये हम लाए हैं कुसुम, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कल नहीं
परसों दिन ही मेरी माँ तोड़ के ली थी। हाँ बहुत अच्छा हुआ है, मतलब ज़्यादा हुआ है तो ले गई थी। थोड़ा मीठा है हम लोग कुसुम खाने में, एक नंबर टेस्ट। और ये हम घर से उठा के लाए हैं, ये चना और पानी। और ये रहा सेल्फी स्टिक, सेल्फी उल्फी लेंगे एक आध दो ठो बकरी लोग से। तो चलिए थोड़ा सा लोग को घुमाते हैं जंगल में, फिर घूमते घूमते ये सबको खाएंगे हम। खा के हमको अभी बहुत अपना ताकत वेस्ट करना है बकरी लोग का पीछे पीछे घूमने में, तो थोड़ा सा घुमा लेते हैं इधर उधर, फिर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बकरी लोग इतना अंदर आ गया, अंदर नहीं पूरा दूसरा साइड में। और इधर का एरिया आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल का लग रहा है, पूरा पहाड़ ऊंचा ऊंचा इधर। और आधा लोग उधर रह गया, आधा लोग इधर आया है, बकरी लोग के पीछे पीछे एकदम घूम घूम के परेशान हो जा रहे हैं। तो कोई नहीं, तो देखते हैं लोग कहाँ तक जाता है। ये लोग को लौटाते उठाते नहीं है, बस ये लोग को पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो वैसे हम लोग देख सकते हैं पूरा जंगल से हम लोग निकल गए। और ये मेरा आधा बकरी लोग कहाँ चला गया, गुम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं घर की ओर चला गया कि किधर, देखना पड़ेगा गाइस। और मेरी जान तो ये छतरी बचा के रखा है गाइस, कि काफ़ी धूप कर रहा है, एकदम गर्मी से परेशान ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। और मेरा खाना पीना भी ख़त्म हो गया है, मेरा छोला पूरा पानी उनी सब ख़त्म कर दिए हैं। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग घर की ओर, कहेंगे सब पानी उन्हें भी ख़त्म हो गया है। देखते हैं इन लोग को थोड़ा देर में और खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, या भी बंद कर देंगे और खोदना पड़ेगा बाकी बकरी लोग को भी। मेरा इतना ही बकरी, वो हम देख लिए, वो रहा आगे में बकरी लोग, मेरा आगे आगे चला गया। तो भाई काफ़ी थकान लग रहा है, बकरी चलाना भी एकदम बहुत मुश्किल का काम है। तो चलिए गाइस, तो गाइस मैं फाइनली आ गई बकरी चरा के, आप लोग देख सकते हैं। और हम नहा लिए, ये बाल फूल पूरा धो लिए हैं और नहा लिए, बट कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नहाए थे जाने से पहले, तो इसलिए चेंज नहीं किए, कितना बार बार कपड़ा चेंज करेंगे सोच के। तो अभी बकरी सबको तो अंदर कर दिए हैं बारी में, घर सब चर रहा है, घर के अंदर नहीं किए हैं। तो अभी बनाएंगे हम लोग इसको, ये जो है ये गौशाला है, जो इस बार का हवा स्टार्टिंग में आया वो पूरा ख़राब कर दिया था। तो अभी हम लोग बैल सबको रखने के लिए भी स्थान हम लोग का नहीं हो रहा है, बैल सब इधर उधर हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बना रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ चढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पर ही, तो देखते हैं चढ़ा पाते हैं कि नहीं। तो अभी ये सेट कर रहे हैं भैया लोग, तो उसके बाद सेट अगर हो जाता है तो ये सब कुछ चढ़ाएँगे। इतना ही काम हुआ हम लोग का, क्योंकि सेट करके टाइम हो गया तो नहीं सके। तो गाइस फिर आज के लिए इतने ही, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से दिखाएंगे कि गांव में क्या क्या, कैसे कैसे एक्टिविटीज़, क्या क्या काम होता है। जब तक मैं गांव में हूँ तब तक मैं गांव का वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या सब होता है। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर करेंगे। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।